हम बी एस सी मैथमेटिक्स मैकेनिक्स डायनेमिक्स में टॉपिक चला है सेंट्रल ऑर्बिट, वीडियो नंबर 12। वीडियो नंबर 12 है हमारा, इसमें क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन अर्थ एट ए डिस्टेंस ए विद द वेलोसिटी फ्रॉम इनफाइनिटी अंडर द एक्शंस ऑफ द सेंट्रल एक्सीलरेशन यू अपॉन आर की पावर 2n+3 प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ पाथ इज आर की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन कोसाइन थीटा। सोल्यूशन वी नो दैट पी इक्वल टू, यानी कि जो सेंट्रल एक्सीलरेशन गिवन है वह पी इक्वल टू होगा म्यू अपॉन आर की पावर 2n+3, चूँकि आर इक्वल टू होता है 1/u, देन पी इक्वल टू हो जाएगा म्यू यू की पावर 2n+3। वी इक्वल टू वी नोट इनिशियली कंडीशन में पार्टिकल्स के लिए होगा, फॉर वेलोसिटीज इनफाइनाइटी उसके लिए फॉर्मूला होगा वी नोट का स्क्वायर इक्वल टू -2 इनफाइनाइट टू आर पी डी आर। वी इक्वल टू वी नोट है यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर इक्वल टू -2 इनफाइनाइट टू आर पी डी आर। पी का वैल्यू यहाँ पर ड्रा कर दें तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -2 इनफाइनाइट टू आर, पी का वैल्यू म्यू अपॉन आर की पावर 2n+3 एंड डी आर। यहाँ पर हमने पी का वैल्यू आर के टर्म में पुट कर दिया है। उसके बाद देन वी स्क्वायर इक्वल टू -2 इनफाइनाइट टू आर मी अपॉन आर की पावर 2n+3 एंड डी आर। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, -2 बाहर रखा है, म्यू कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज बाहर निकाल लें एंड इनफाइनाइट टू आर, ये आर की पावर हो जाए -2n+3 एंड डी आर। तो -2 म्यू इंटीग्रेशन के आर की पावर -2n+3+1 अपॉन 2n+3+1 एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 y n+1, वही टर्म यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसमें लिमिट डालना होगा इनफाइनाइट टू आर, तो होगा -2 म्यू ऊपर पड़ेगा आर की पावर 2n-3+1 और नीचे भी यही होगा 2n-3+1 इनफाइनाइट टू आर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू होगा -2 म्यू आर की पावर -2n-2 और इनफाइनाइट टू आर। इसके बाद इसमें लिमिट ड्रा कर देंगे, देन बी स्क्वायर इक्वल टू नीचे से माइनस कॉमन निकाला 2 म्यू अपॉन -2n+2 हो जाएगा और आर की पावर -2n+2 इनफाइनाइट टू आर। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू अपॉन 2 कॉमन n+1 होगा, यहाँ से कैंसिल हुआ आर की पावर -2n+1 इनफाइनाइट टू आर। इसमें लिमिट ड्रा कर दी जाए, वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू अपॉन n+1 आर की पावर ये आर ही हो जाएगा -2n+1 माइनस इनफाइनाइट की पावर -2n+1 इनफाइनाइट होता है 1/0। इसको सॉल्व करेंगे, म्यू अपॉन n+1 और ये हो जाएगा 1/r^2n+1 ये 0 हो जाएगा, 1/अपॉन में ले जाएं 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। म्यू अपॉन n+1 इसको लिख सकते हैं 1/r^2n+2 वी स्क्वायर इक्वल टू, देन वी इक्वल टू वी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन वी आ जाएगा अंडर रूट म्यू अपॉन n+1 एंड 1/r^n+1। अंडर रूट लेने के बाद इतनी वैल्यू इसमें बनेगा, बी का वैल्यू आ गया। अब लेट ए बी द अप्स
सच दैट ओ ए इक्वल टू होगा आर, यानी आर की वैल्यू ए दिया है, इनिशियल में थीटा इक्वल टू जीरो होगा एट ए पर, आर इक्वल टू ए, यू इक्वल टू होगा वन अपॉन ए एंड थीटा इक्वल टू जीरो, डी आर बाई डी थीटा भी जीरो होगा एंड डी यू बाई डी थीटा भी जीरो। वेलोसिटी यहाँ पर हमारा आ चुका है, पहले क्वेश्चन में वेलोसिटी डायरेक्ट दिया होता था, इसमें वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, इतना सिर्फ अंतर है। तो वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, उसके बाद जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही होगा। वी स्क्वायर इक्वल टू वी नो दैट एच स्क्वायर ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस डी यू वाई डी थीटा का हॉल ऑफ स्क्वायर, अप्लाई इनिशियली कंडीशन, बी की वैल्यू ड्रा कर देंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू ड्रा कर देंगे म्यू अपॉन एन प्लस का वन वन अपॉन ए की पावर टू एन प्लस टू, ये आज चल रहा था आर की पावर टू एन प्लस टू, आर की पावर टू एन प्लस टू, सॉरी आर इक्वल टू ए है, आर इक्वल टू ए है इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू वाई डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई इनिशियली कंडीशन, इनिशियली में आर इक्वल टू ए हो जाएगा, डी यू वाई डी थीटा इक्वल टू जीरो एंड u इक्वल टू होगा वन अपॉन ए, यहाँ पे वैल्यू ड्रा कर देते हैं। वैल्यू ड्रा करने के बाद फंक्शन बन रहा है म्यू अपॉन एन प्लस का वन इंटू वन अपॉन ए की पावर टू एन प्लस टू, आर इक्वल टू ए था ए की पावर टू एन प्लस टू एच स्क्वायर या वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस का जीरो, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे म्यू अपॉन एच स्क्वायर का, ये बन जाएगा एन प्लस का वन एंड ए की पावर टू एन, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर टू एन ओनली बचेगा, म्यू अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू आ गया। इसको ड्रा किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस में, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट है यू प्लस होगा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, पी का वैल्यू यहाँ पर ड्रा कर देंगे म्यू यू की पावर टू एन, टू एन प्लस का थ्री, यू की पावर टू एन प्लस थ्री इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर ब्रैकेट में यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा का हॉल ऑफ स्क्वायर, देन इसको यहाँ ले आएंगे म्यू अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई यू की पावर टू एन प्लस थ्री यू प्लस डी टू यू वाई डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, म्यू अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू ये आया है, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं म्यू अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू है एन प्लस वन ए की पावर टू एन, ये होगा एन प्लस का वन ए की पावर टू एन इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन यू की पावर टू एन, टू एन एंड यू की पावर थ्री तो ये कैंसिल हो जाएगा, यू प्लस डी टू यू वाई टी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा वन अपॉन यू की पावर टू एन एंड यू एंड यू प्लस डी टू यू वाई टी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर एन प्लस वन ए की पावर टू एन। ये टू एन प्लस वन हो जाएगा एन प्लस का वन ए की पावर टू एन वन अपॉन यू की पावर टू एन प्लस का वन यू प्लस डी टू यू वाई डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, डी टू यू वाई डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, इसको सेपरेट कर देते हैं, एक साइड में सेपरेट करने के बाद बनेगा डी टू यू वाई डी थीटा स्क्वायर प्लस का यू इक्वल टू एन प्लस वन ए की पावर टू एन इंटू यू की पावर टू एन प्लस वन, आप मल्टीप्लाइंग वाई टू डू टू डी यू वाई डी थीटा ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा टू डी यू वाई डी थीटा डी टू यू वाई डी थीटा स्क्वायर प्लस का यू इंटू टू डी यू वाई डी थीटा इक्वल टू एन प्लस का वन ए की पावर टू एन एंड यू की पावर टू एन प्लस वन इंटू टू डी यू वाई डी थीटा एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग के बाद ये बन जाता है टी यू वाई थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर टू एन, ऐसे ही रहेगा एंड टू डी यू वाई थीटा था तो टू इंटू एन प्लस वन ले लेंगे, यू की पावर एन प्लस वन में हो जाएगा यू की पावर एन टू एन प्लस टू अपॉन टू एन प्लस टू हो जाएगा, यहाँ से टू एन प्लस टू से टू एन प्लस टू कैंसिल हो जाएगा,
यू ये ए की पावर टू एन चल रहा था, प्लस सी कॉन्स्टेंट लगेगा, जी टर्म कैंसिल होगा, ए की पावर टू एन इंटू यू की पावर टू एन प्लस टू प्लस सी डी यू बाई डी शीटा का हॉल ऑफ स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लेट कर ले रहे हैं। इक्वेशन पहले भी मान सकते थे, चलो कोई नहीं, हम नहीं माने, इनिशियली कंडीशन लगाएंगे। इनिशियली में डी यू बाई डी शीटा इक्वल टू जीरो था एंड यू इक्वल टू था यू इक्वल टू वन अपॉन ए, वन अपॉन ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू फाइंड करते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा डी यू बाई डी शीटा यानी जीरो का स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर टू एन इंटू वन अपॉन ए की पावर टू एन प्लस टू प्लस सी, वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर टू एन इंटू ए की पावर माइनस टू एन माइनस टू प्लस सी, ए की पावर टू एन सी की पावर टू एन कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर माइनस टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी, यानी कि वन अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, सी इक्वल टू आया जीरो। पुट इन वन सी की वैल्यू, पुट इन इक्वेशन वन, वन में वैल्यू पुट कर देंगे। वन में वैल्यू पुट करने के बाद आता है डी यू बाई डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर टू इन यू की पावर टू इन प्लस टू सी इक्वल टू जीरो हो गया। उसके बाद यू वाला टर्म उधर ले जाते हैं, डी यू बाई डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर टू इन यू की पावर टू इन प्लस टू माइनस का यू स्क्वायर। यहाँ पर यू स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो ए स्क्वायर ए की पावर टू इन यू की पावर टू इन माइनस वन बचेगा। उसके बाद इसका रूट ले लिया जाए, ये हो जाएगा डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू यू अंडर रूट ए की पावर टू एन यू की पावर टू एन माइनस वन, देन डी यू अपॉन यू अंडर रूट ए की पावर टू एन यू की पावर टू एन माइनस वन इक्वल टू होगा डी थीटा, पुट ए की पावर नेक्स्ट लाइन हो जाएगा डी यू अपॉन यू अंडर रूट ए की पावर एन यू की पावर एन का हॉल ऑफ स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू डी थीटा। इसमें पुटिंग कर देंगे ए की पावर एन, पुट ए की पावर एन यू की पावर इक्वल टू सेक्स जेड, देन डिफरेंशिएशन एन ए की पावर एन यू की पावर एन माइनस वन डी यू इक्वल टू सेक्स जेड का होगी सेक्स जेड इंटू टेन जेड इंटू टी जेड, देन डी यू अपॉन यू ए की पावर एन यहाँ पर बनेगा एन ए की पावर एन यू की पावर एन अपॉन यू डी यू इक्वल टू सेक्स जेड इंटू टेन जेड एंड डी जेड, ए की पावर एन यू की पावर एन को लिखेंगे सेक्स जेड इंटू यू डी यू इक्वल टू होगा सेक्स जेड इंटू टेन जेड इंटू डी जेड, सेक्स जेड से सेक्स जेड कैंसिल हुआ डी यू अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एन टेन जेड इंटू डी जेड, ये हुआ डी डी यू अपॉन यू इक्वल टू टेन जेड टेन जेड डी जेड अपॉन एन। ये आया है हमारा डी यू अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एन टेन जेड डी जेड जो हमने लेट किया था, उससे ऊपर हमारा जो टर्म चल रहा था डी यू अपॉन यू अंडर रूट ए की पावर एन यू की पावर एन का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू डी थीटा, उसमें हमने वैल्यू पुट करने के लिए माना था, वो ये इतना लेंथी हो गया तो कोई नहीं, इसकी डी यू बाई यू की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा और ए की पावर एन यू की पावर एन इक्वल टू सेक्स जेड, तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन रूट सेक स्क्वायर जेड माइनस वन इंटू डी यू बाई डी इक्वल एन टेन जेड डी जेड इक्वल टू डी थीटा। और नेक्स्ट लाइन हो जाएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर माइनस जेड ये टेन जेड ही हो जाएगा वन अपॉन एन टेन जेड डी जेड इक्वल टू डी थीटा, टेन जेड से टेन जेड कैंसिल हुआ वन अपॉन एन डी जेड इक्वल टू डी थीटा, यानी कि डी जेड इक्वल टू होगा एन डी थीटा, इंटीग्रेटिंग के बाद आएगा जेड इक्वल टू एन थीटा प्लस सी वन, वे सी वन इज एन कॉन्स्टेंट इंटीग्रल कॉन्स्टेंट,
यहाँ पे हम वैल्यू ड्रा कर दे रहे हैं, हमने माना था एक ए की पावर एन यू की पावर एन इक्वल टू सिक्स जेड, देन जेड सेक इनवर्स ए की पावर एन यू की पावर एन इक्वल टू जेड होगा। तो ये होगा सेक इनवर्स ए की पावर एन यू की पावर एन इक्वल टू एन थीटा प्लस सी वन। इक्वेशन नंबर इसको टू मान सकते हैं, अप्लाई द इनिशियली कंडीशन। इनिशियली कंडीशन इसमें अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई इनिशियली कंडीशन। इनिशियली में यू इक्वल टू वन अपॉन ए था एंड थीटा इक्वल टू जीरो, तो यह हो जाएगा सेक इनवर्स ए की पावर एन अपॉन वन अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू जीरो प्लस सी वन। यह होगा सेक इनवर्स वन इक्वल टू सी वन, देन सेक इनवर्स वन इक्वल टू सी वन है तो कोस इन सेक सी वन इक्वल टू वन होगा, सेक सी वन इक्वल टू वन होगा यानी कोस सी वन भी वन होगा। एंड कोस में वन वैल्यू होता है जीरो की, कोस जीरो वन होता है, सी वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सी वन का वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर टू, वैल्यू ऑफ सी वन पुट इन इक्वेशन टू बनेगा लास्ट लाइन सेक इनवर्स ए की पावर एन यू की पावर एन इक्वल टू एन थीटा प्लस जीरो, यानी कि सेक इनवर्स ए की पावर एन यू की पावर एन इक्वल टू एन थीटा, देन ए की पावर एन यू की पावर एन इक्वल टू सेक एन थीटा। यह आ जाएगा इक्वेशन ऑफ पाथ। उसको थोड़ा कोस के टर्म में आंसर देना है, ए की पावर एन यू इक्वल टू वन पॉन आर था, आर की पावर एन इक्वल टू कोस एन थीटा, देन आर की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन कोस एन थीटा। ये आंसर इसका आएगा, प्रूफ करना था।